स्टार्ट, और फिर नेक्स्ट करता हूँ वेरीफाई रूट। और देखिए यहाँ पर बता चुका है, मॉडल मेरा यहाँ पर दिखा चुका है और ये बता रहा है कि सॉरी रूट एक्सेस नॉट डिनाइड, नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो ठीक है, और ये मॉडल बता चुका है SM810G, एंड्रॉयड वर्जन 800। मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि मेरा इंटरनेट यहाँ पर वर्क कर रहा है। मैं अपने आप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा देवरत्न अग्रवाल, तो देखिए जैसे मैंने लिखा तो देवरत्न अग्रवाल, तो उसने मेरे बारे में बता दिया यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए फ़ोटो वोटो दिखा दिया। आप चाहो तो मुझे सर्च करके मेरे बारे में पता कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप फाइल, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सो हमें फाइलों में यहाँ पर U2 और यहाँ पे नीचे U1, तो ये वाली फाइल ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये वाली फाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला। और इसके बाद मैं दूसरी वाली फाइल में यहाँ पर खोल के दिखा देता हूँ। तो आपको पैच फाइल में सेलेक्ट करना है, और पैच फाइल में सेलेक्ट करने के बाद वही बूट वाली फाइल आपको लेनी है, और वो बूट वाली फाइल जब आप ले लेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा, जो बिल्कुल प्रोसेस चेक कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर ये फेल नहीं हो रहा है, ये पूरा रीपैकिंग बूट इमेज और पैचिंग जो भी रैमडिक्स इसका जो भी प्रोसेसिंग चल रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये हम पूरा होने देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि ये सैमसंग का J8 है, और जो सैमसंग के J6, J4 और J8 और जितने भी मोबाइल हैं ये ईडियल मोड पे, जैसे अपन ईडियल मोड पे ले जाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के और केबल लगाते हैं, वैसे ही होते हैं। अगर क्योंकि इसमें होम बटन नहीं है, अगर होम बटन होता तो वॉल्यूम डाउन पावर की एंड ये होम बटन लेके मैं कर सकता था। अगर इसमें मान लीजिए ये सैमसंग का एसेट होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फ्लैशिंग मोड पर डाला हुआ है, और जैसे स्टार्ट दबाऊंगा यहाँ पे आप देख लेंगे, देखो बूट फाइल चल के रिसेट हो गया मेरा फ़ोन। यहाँ पर फाइल जो ये चलाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे आपको अब सुपर यूज़र दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अब मेरा फ़ोन रूट हो चुका है और ये सारी चीज़ ऑलरेडी। एक बार मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, देखिए मैं सुपर यूज़र फिर से ऑन कर रहा हूँ, सुपर यूज़र ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ वेरीफाई करके कि मेरा फ़ोन रूट है कि नहीं है। और आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे मुझे सुपर यूज़र ग्रांट परमिशन मांग रहा है, जैसे मैंने ग्रांट किया अब यहाँ पे दिखा दिया कॉन्ग्रेचुलेशन योर रूट इज प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप पे, तो देखिए ये मेरा फ़ोन है, मैं आपको बता देता हूँ ये मॉडल नंबर कौन सा है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं सेटिंग ओपन कर चुका हूँ, मैं सेटिंग पे गया ओके, और अबाउट फ़ोन पे जाता हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं J8 इसका है और मॉडल नंबर है J810G। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे चले जाते हैं तो एंड्रॉयड का वर्जन देखते हैं 8 है, और सैमसंग एक्सपीरियंस वर्जन है 9, बेस बैंड इसका आ रहा है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो पहला चीज़ करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फ़ोन रूटेड नहीं है। जैसे कि अगर ये कैसे जाने कि फ़ोन रूटेड है कि नहीं है, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर वाईफाई अपना ऑन करके रखा हुआ है, और तो कैसे जाने, तो एक रूट चेकर हम इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं APK इसको चला लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फ़ोन रूटेड है कि नहीं है। तो पहले तो आपको ये दिखा दें, तो देखिए फ़ोन को मैंने कनेक्ट किया हुआ है, अब यहाँ पर मेरे पास एक ऐप डला हुआ है, मैं आपको इसमें ऐप दिखाता हूँ। ये देखिए ये रूट चेकर मेरे पास एक ऐप डला हुआ है, मैं सबकी लिंक नीचे वीडियो में दे दूँगा। और मैं जाता हूँ यहाँ से अपने, यहाँ पे मेरा फ़ोन अभी शो होगा यहाँ पर, तो जैसे ये देखिए गैलेक्सी J8 मेरे को शो हो रहा है। यहाँ पे गया, फ़ोन के अंदर गया, इंटेल मेमोरी, और यहाँ पर जाके मैं इस पेस्ट कर देता हूँ, और ये मेरा रूट चेकर यहाँ जा चुका है। सो अब यहाँ से रूट चेकर इसको चलाते हैं, तो देखिए अभी करना है क्या है यहाँ पर, अब हम माई फाइल में जाएंगे। ये देखिए माई फाइल मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ इंटरनल स्टोरेज, और उसके बाद ये देखिए रूट चेकर। रूट चेकर क्या है दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन है जो ये बताती है कि आपका फ़ोन रूट है कि नहीं है, ये सिर्फ चेक करता है। और यहाँ मैं सेटिंग पे जाता हूँ, और यहाँ पे देखिए अलाउ फ्रॉम रिसोर्सेज में क्लिक करता हूँ, और उसके बाद बैक करता हूँ, उसके बाद इस रूट चेकर को इंस्टॉल करता हूँ। आप चाहें तो गूगल में जाकर या प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और प्ले स्टोर नहीं है आपके पास तो आप नॉर्मली गूगल पर जाइए और लिखिए रूट चेकर .apk। सो ये डाउनलोड हो चुका है, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये रूट चेकर है।
तो एग्री करता हूँ, और एग्री करके स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, और फिर नेक्स्ट करता हूँ वेरीफाई रूट। और देखिए यहाँ पर बता चुका है मॉडल मेरा, यहाँ पर दिखा चुका है, और ये बता रहा है कि सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट डिनाइड, नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो ठीक है, और ये मॉडल बता चुका है SM810G, एंड्रॉयड वर्जन 800। मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ कि मेरा इंटरनेट यहाँ पर वर्क कर रहा है। मैं अपने आप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा देवरत्न अग्रवाल, तो देखिए जैसे मैंने लिखा तो देवेंद्र अग्रवाल, तो उसने मेरे बारे में बता दिया यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए फोटो वोटो दिखा दिया। आप चाहो तो मुझे सर्च करके मेरे बारे में पता कर सकते हैं। अब देखिए तो ये तो हो गया, मैंने बता दिया कंप्लीट कि हमारे फ़ोन में रूट नहीं है। तो सबसे पहला जो सेटिंग करना है स्टेप 1, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है अपनी सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर अबाउट फोन पे, तो आपको सॉफ्टवेयर वर्जन पे जाएंगे, और आप ये जो बिल्ड नंबर है इसको आप 7 टाइम क्लिक करेंगे, और ये यहाँ पे बताएगा डेवलपर इज़ ओपन। आप बैक करेंगे और अबाउट के नीचे आपको डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और ये जाने के बाद आपको करना क्या है, अपना बूट लोडर को अनलॉक करना है। तो OEM आपके बूट लोडर होते हैं फ़ोन के, सो यहाँ से इसको अनलॉक करना है, और आप यहाँ पे USB डिबगिंग ऑन को भी आप क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम फ़ोन को रूट कर रहे हैं, तो ये दो प्रोसेस हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर। सो ये थोड़ा नोटिस में रखिएगा कि आप OEM को ज़रूर अनलॉक कर दें यहाँ पर। तो चलिए अब OEM को अनलॉक कर दिया, तो सबसे पहले इसके अंदर एक हमको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मैं बता दे रहा हूँ ये फ़ोन ना CF ऑटो रूट से रूट होता है, ना TWRP से। अगर इसमें TWRP नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इसमें TWRP नहीं आती है, जो भी है फेक है। CF ऑटो रूट भी इसमें दिया होगा वो भी फेक है, वो भी इसमें वर्क नहीं करता है। तो अगर आपको वो चलाना है तो वो नहीं वर्क करेगा। ये विदाउट TWRP मैं कैसे रूट करता हूँ ये बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ सेट ऐसे ही रूट होते हैं और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि हो सकता है बीच में कुछ आप मिस कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और वो मैं यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से बता दूँ तो आपको लिखना है मैजिक्स, तो आप यहाँ पर देखिए अगर मैजिक्स लिखेंगे और APK एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा कि मैजिक्स, आप ये देखिए डाउनलोड मैजिक्स यहाँ पर APK, आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ, और मैं वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ सैमसंग के अंदर, ये मेरा J8, ओके। तो ये देखिए ये जो मेरा एप्लीकेशन है .APK, ये वर्ज़न है, मैंने इसको कॉपी करता हूँ और अपनी इंटरनल मेमोरी के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने ये रूट चेकर डाला था, ओके। तो अभी आपको करना क्या है कि मैजिक्स को आपको चलाना है। अगर आपको मैजिक्स चाहिए जैसे कि मैंने .APK चाहिए, अब मैंने डाला इसके अंदर, अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं आपको वो लिंक के नीचे दे दूंगा, आप उसको लिंक के नीचे जाकर उसको 1 क्लिक से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसकी मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं माई फाइल में जाता हूँ, और माई फाइल में जाने के बाद मैं वापस नीचे जाता हूँ, तो आपको देखिए यहाँ पे मैजिक्स मैनेजर दिख रहा है, इसका APK मतलब इसका एंड्रॉयड का वर्ज़न। मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ, और ये इंस्टॉल हो जाता है जैसे ही। सो ये इंस्टॉल हो जाने के बाद मैं आप इसको डन कर दीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ ये कैसा दिखता है। देखिए ये आपको ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि आप यहाँ से अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं। बट ये मैनेजर से बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जिस फ़ोन में TWRP डलता है उधर इसका एक जिप इंस्टॉलर आता है, तो TWRP हम पहले इंस्टॉल करके और प्रॉपरली वहाँ से जैसे सुपर सू इंस्टॉल कर देते हैं, वहाँ से एक मैजिक्स का एक जिप को हम इंस्टॉल कर देते थे और वो रूटेड हो जाता था। पर यहाँ पे TWRP नहीं है, तो इसमें बूट फाइल चाहिए होगी, तो सबसे पहले हमें बूट फाइल इसमें चलानी पड़ेगी, और उसके बाद फिर हम बूट फाइल चलाएंगे ओडिन से थ्रू, और उसको फ्लैश करेंगे सिर्फ खाली एक बूट फाइल से, जो कि एक पेड फाइल में मिल सकता है, बहुत कम होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हेल्प पेड से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों जैसे आपके सामने ये ऐप ओपन हो जाएगा, तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे कुछ भी आपको रूट या सुपर सू ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये ऐप डालने से सिर्फ रूट नहीं होता है, इस पर एक बूट फाइल चलानी पड़ती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। पर इसमें करना क्या है, शुरुआत में आप दो काम कर लेना, ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेना, एक जिप फाइल इंस्टॉल करना है, एक .APK जो भी इसका नया वाला, जैसे देखिए यहाँ पे जाइएगा इंस्टॉल में टिक कीजिएगा और डाउनलोड जिप कीजिएगा, और यहाँ पे जाइएगा ये भी इंस्टॉल कीजिएगा और यहाँ पर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। तो दो दो चीज़ आपके में पैरेलल में डाउनलोड होगी। देखिए तो यहाँ पर दो चीज़ यहाँ पे पैरेलल में डाउनलोड हो रही है, मैजिक एक मैनेजर एक एक APK है, और एक जिप फाइल है। तो और ये आपको इन दोनों से, और ये आपको
इन दोनों पे टिक करने से ही यहाँ पे आपको डाउनलोड हो जाएगी। मतलब आपने करना क्या है, सिर्फ इसको इंस्टॉल पे टिक करना है, यहाँ पे इंस्टॉल पे टिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा, फिर इस पे इंस्टॉल पे टिक करना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये जब ये दोनों डाउनलोड हो जाएगी तो आपको APK आपको चला लेना है, और मैं ऑलरेडी APK मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं वापस नहीं चलाऊंगा। फिर वापस क्या करना है आपको, यहाँ पर नीचे इंस्टॉल पे जाकर देखो, ये तो ऑलरेडी फिर से वही चीज़ वापस डाउनलोड हो गई है, तो ये आपको ऊपर वाले पर फिर से इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट पैच फाइल करनी है, और पैच फाइल करके आप देखिए आप यहाँ जाइएगा, यहाँ जाकर आप सो इंटरनल स्टोरेज कीजिएगा, और यहाँ पे Galaxy 8 के अंदर जो भी आपकी फाइल है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी ये बूट फाइल इसको दी हुई है, और यहाँ पे बूट फाइल देखिए मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो इंस्टॉल हो चुकी है, ये अप टू डेट हो चुका है, पर मैजिक अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो इसी को इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर डाउनलोड फाइल तो हम कर चुके हैं, और सेलेक्ट फाइल हम यहाँ से करते हैं, तो ये रूट है, और ये मैजिक, और ये .APK है। तो जो इन्होंने फाइल यहाँ पर डाउनलोड की होगी, ये डाउनलोड मैनेजर में डाला होगा, तो इसको डाउनलोड मैनेजर में डालते हैं, और ये देखिए डाउनलोड में हम जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैजिक्स, और ये मैजिक्स को यहाँ पर रन करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मैजिक्स यहाँ पर चल रहा है, तो ये चलना जरूरी है, तो आप इसको वन टाइम चलाइएगा, क्योंकि आपको अगर रूट करना है तो पहले तो आपको ये चलाना, आपको इसका मैनेजर चलाना पड़ेगा रूट करने के लिए, उसके बाद आपको एक बूट फाइल चलानी पड़ेगी। तो हम पहले ये चलाते हैं, उसके बाद इसको बूट फाइल देते हैं, क्योंकि सिर्फ ये चलाने से ये रूट नहीं होगा। तो देखिए ये यहाँ पर अनपैकिंग हो चुका है, इंस्टॉलेशन, हालांकि आखिरी में इसने इंस्टॉलेशन फील्ड बता दिया है। सो देखिए ये हमने फिर भी इसको कोशिश किया चलाने का, तो आप अब देखें यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसके अंदर एक बूट फाइल आपको चलानी पड़ेगी। तो आप सिर्फ मैजिक डालने से ये रूट नहीं होगा, आपको क्या चाहिए मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो देखिए आपको चाहिए एक बूट इमेज फाइल, और ये जो बूट इमेज फाइल है ये कहाँ से मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ये, आप नॉर्मल अगर आप इसका मॉडल नंबर डालोगे, जैसे देखिए मैं यहाँ पर गया और मैंने लिखा J810G और बूट इमेज फाइल, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं आपको उसको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने गया और मैं लिखा यहाँ पे बूट फाइल, और यहाँ पे मैंने टिक किया, तो देखिए ये जो बूट ENG इमेज फाइल है 8 पॉइंट वर्जन, सो ये वो फाइल है मेरी जिसके साथ मैं इसको रूट कर सकता हूँ, जिसके साथ मैं इसको रूट कर सकता हूँ। पर ये जो जिसके साथ में आ रहा है दोस्तों, तो ये पेड फर्मवेयर है, आप समझ रहे हैं। अगर मैं, चलो देखते हैं, ये पेड फर्मवेयर नहीं है फिर भी, क्योंकि अगर मैं नीचे देखता हूँ मुझे बूट फाइल को यहाँ पर डाउनलोडिंग दिख रहा है, 8G बूट फाइल मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, पर मैंने इसको चलाया पर ये यहाँ से काम नहीं करा। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने एक पेड वेबसाइट पर गया, हेल्प टैब में गया, और पेड वेबसाइट में जाने के बाद हम सर्च करते हैं J810G, और आगे हम यूज़ करते हैं रूट। तो देखिए हमने J810G रूट लिखा है, तो हमें देखिए यहाँ पे दो फाइल मिल गई है, तो एक फाइल हमें यहाँ पे एक फोल्डर मिल रहा है हमको, सो हम इस फोल्डर को ओपन कर रहे हैं। 8.00 का है, मेरा वर्जन इतना ही है अभी, और मैंने यहाँ पे खोला तो देखिए मुझे यहाँ पे एक फाइल मिल गई, सी ऑफ ऑटो रूट, जो कि मेरी वर्क नहीं कर रही है, ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, ये U2 और U1 दोनों के लिए है, और जो मेरा बाइंडिंग नंबर है वो U2 है। अगर बाइंडिंग नंबर कैसे देखते हैं एक ऑन मोबाइल में, तो मैं बता देता हूँ कि आपका बाइंडिंग नंबर किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। आप अपने सेटिंग के अंदर जाइए यहाँ पर, और आप अपना बाइंडिंग नंबर चेक करने के लिए सेटिंग के बाद में जाने कर आप जाइए डेवलपर अबाउट ऑप्शन में, अबाउट ऑप्शन में जाने कर आप सॉफ्टवेयर में जाइए, तो आप देखिए यहाँ पे बेसमेंट में देखिएगा आप, तो आपका बाइंडिंग नंबर देखिए अब U2 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप फाइल, अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सो हमें फाइलों में यहाँ पर U2 और यहाँ पे नीचे U1, तो ये वाली फाइल ऑलरेडी मैं चला चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये वाली फाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला। और इसके बाद मैं दूसरी वाली फाइल में यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर बहुत सारी फाइल है, और जिसमें से जो मैं अब फाइल चला रहा हूँ वो U2 का वर्जन यही वाली फाइल है, तो एक पाई के लिए डला हुआ है, एक 8.0 के लिए, तो ये वाली फाइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, Revision 2 की फाइल यही है जो वर्किंग है। और ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देखे, यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब अगर इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। सो यही फाइल मैं इसको चलाने वाला हूँ ओडिन के साथ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा है, मैंने इस फाइल को ओपन किया है, और ओपन करके इसके जो अंदर की एक बूट इमेज फाइल है, क्योंकि यही हमारे फ़ोन को रूट करेगा दोस्तों, और इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है। ये देखिए ये जो बूट इमेज फाइल है इसको मैंने ओपन करके रख लिया है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, देखिए ये मेरी बूट इमेज की फाइल है। अब इस फाइल को मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी करूँगा और अपनी इंटरनल मेमोरी में डाल दूंगा, आप चाहें तो SD कार्ड में भी डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरी बूट फाइल चली गई है, अब मैं वापस फ़ोन पे आ जाता हूँ, और फ़ोन पे आकर मैं सेम सारी प्रोसीजर फिर से अटेंड करता हूँ। तो मैं खोलूँगा माई फाइल्स,
और माय फाइल्स खोलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए बूट इमेज की फाइल आ चुकी है। अब आपको करना है क्या, अब आपको ओपन करना है पहले मैजिक्स मैनेजर, आपको ये ओपन करना है। ओके, और ये ओपन करने के बाद में फिर आपको वापस इंस्टॉल में टिक करना है, और ये पहले वाले में मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, मैजिक्स नॉट इंस्टॉल में यहाँ पर जाना है, इंस्टॉल में टिक करना है और सिलेक्ट पैच फाइल। यहाँ पे आपको पैच फाइल में सेलेक्ट करना है, और पैच फाइल में सेलेक्ट करने के बाद वही बूट वाली फाइल आपको लेनी है। और वो बूट वाली फाइल जब आप ले लेंगे तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखेगा, जो बिल्कुल प्रोसेस चेक कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे ये फेल नहीं हो रहा है, ये पूरा रीपैकिंग बूट इमेज और पैचिंग जो भी रैमडिक्स इसका जो भी प्रोसेसिंग चल रहा है या एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये हम पूरा होने देते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यही बूट वाली फाइल को हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ऑल डन आ चुका है। थोड़ा सा आप अगर इसको क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, तो मैं इसको थोड़ा सा ओके आप शायद आपको देख लें, ये देखिए तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे ऑल डन आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी ऊपर भी आपको दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डन आ गया, पहले यहाँ पे फेल्ड आया था क्योंकि हमने डायरेक्ट मैजिक से यूज़ किया था, पर अब हमने एक पेड फाइल का यूज़ किया होगा जो कि यहाँ पे डन आ चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं दोस्तों, अब वापस हम अभी इस फोन, ये फ़ोन अभी भी हमें रूट नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी भी फ़ोन में यहाँ पर सुपर सू, यहाँ पर कुछ भी सुपर सू नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो अभी भी ये फ़ोन रूट नहीं हुआ है। मैं एक बार रूट चेकर भी आपको चला देता हूँ, तो मैंने देखिए रूट फ़ोन भी चला दिया है, और मैं देखिए उसको मैं स्वैप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी ये रूट नहीं हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को आपको बंद करना है। सबसे पहले आप अपने फ़ोन को बंद करके आपको डाउनलोड मोड पे लेके जाना है, और आपको यही बूट वाली फाइल को एज अ टेस्ट फाइल में ओडिंग के साथ आपको उसको फ्लैश करना है, एपी के साथ। सो पावर में मैंने पावर को बंद किया। अब पावर के बंद करने के बाद में, क्योंकि ये सैमसंग का J8 है, और जो सैमसंग के J6, J4 और J8 और जितने भी मोबाइल हैं ये ईडियल मोड पे, जैसे अपन ईडियल मोड पे ले जाते हैं वॉल्यूम अप एंड डाउन दबा के और केबल लगाते हैं, वैसे ही होते हैं। अगर क्योंकि इसमें होम बटन नहीं है, अगर होम बटन होता तो वॉल्यूम डाउन पावर की एंड ये होम बटन लेके मैं कर सकता था। अगर इसमें मान लीजिए ये सैमसंग का एसेट होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सैमसंग का एसेट है, सो अगर इसको करना होता तो इसके अंदर एक बिक्सबी बटन दिया होगा, तो मैं इन तीनों बटन को दबाता बंद करके तो ये डाउनलोड मोड पे चला जाता। सो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे ट्रिक एंड होते हैं, कई बार हम नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको सही तरीके से करना है तो आप मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सही तरीके से आपको पूरी चीज़ें डिटेलिंग के साथ मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ यहाँ पर। और देखिए मैंने यहाँ पर इसको डाउनलोडिंग मोड पर लिया हुआ है, और अब मुझे ओडिन ओपन करना पड़ेगा, और मैं ओडिन ओपन करता हूँ चलिए यहाँ पर। तो वापस मैं जाता हूँ अपनी फाइल जहाँ मैंने रखी हुई है, और बहुत दिनों से मेरे मन में विचार था कि मैं इस पर लेकर एक वीडियो बनाऊँ, ताकि क्योंकि मैंने देखा है कि यूट्यूब में इस पर कोई भी वीडियो नहीं है, और एक दो वीडियो है जो कि बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं, दूसरी भाषा के वीडियो हैं। सो देखिए यहाँ पर ओडिन है, मैं ओडिन को ओपन कर रहा हूँ, और ओडिन को ओपन करने के बाद ये नया टूल है 3.13, और यहाँ पर एपी में जा रहा हूँ, और मैं इसमें बूट फाइल सेलेक्ट करूँगा। तो चलिए इसमें बूट फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं जहाँ मैंने रखा हुआ है, अब वहाँ रखिएगा, अब वो वहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा जहाँ आप रखेंगे। आप चाहें तो इसी की बूट फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इसको लिंक के नीचे दे दूंगा, आप वहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो यहाँ पर मेरा TWRP ये ओके, ये मेरा बूट फाइल। अच्छा देखिए यहाँ पे मेरी ये बूट फाइल मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी सी मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बूट फाइल U2 वर्जन का, यानी मेरा U2 है और वर्जन मेरा 8.00 है। तो आप यहाँ पे ये फाइल देख रहे होंगे, मैं इस फाइल को डबल टिक कर दूंगा, मतलब इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने फ्लैशिंग मोड पर डाला हुआ है, और जैसे स्टार्ट दबाऊँगा यहाँ पर आप देख रहेंगे, देखो बूट फाइल चल के रिसेट हो गया मेरा फ़ोन यहाँ पर। अब कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ इतना करना था। अब मैं देखता हूँ कि फ़ोन मेरा रूट हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखेंगे मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने बूट फाइल मुझे चाहिए बस। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सारा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरीके से हमने क्या काम किया, तो शुरू सारे टेक्निक जो भी है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या मैंने किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रूट चेकर डाल के मैंने बताया कि मेरा डिवाइस रूटेड है कि नहीं है। उससे भी पहले मैंने उसके बाद फिर मैंने OEM को अनलॉक किया डेवलपर ऑप्शन में जाकर, फिर मैंने एक मैजिक्स APK डाउनलोड किया, और APK डाउनलोड करने के बाद फिर मैंने
क्या काम किया, एपीके डाउनलोड करने के बाद मैजेस का, मैं मैजेस के अंदर गया और मैजेस के अंदर मुझे जो दो चीज़ मिली और दो जो एप्लीकेशन, एक मैजेस का एक लेटेस्ट एपीके मैंने वहाँ से डाउनलोड किया और एक जिप फाइल डाउनलोड की। फिर उस जिप फाइल को मैंने उसमें पैच एज अ पैच फाइल चलाया, फिर वो फेल्ड हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक बूट फाइल चलाया, जो कि बूट फाइल मैंने बताया कि कहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हैं, बाकी आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि फिर मैंने बूट फाइल जो ये चलाने के बाद, देखिए यहाँ पे मैं सेटिंग दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे आपको अब सुपर यूज़र दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। अब मेरा फ़ोन रूट हो चुका है और ये सारी चीज़ ऑलरेडी, अब एक बार मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और ये डायरेक्ट इंस्टॉल में है। देखिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट इंस्टॉल, मैं आपको फिर से बता देता हूँ मैंने कहाँ पर टिक किया। देखो फिर से अब अपडेट पर टिक करता हूँ, इंस्टॉल पर जाता हूँ और डायरेक्ट इंस्टॉल में मैं इसको कर देता हूँ। अब ये मेरा यहाँ से डायरेक्ट इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि अब मेरा फ़ोन रूट हो चुका है। तो जो जो प्रोसेस है मैंने आपको फिर से इसको रिपीट करके बताया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं ओडिन पे गया और जो मैंने फाइल यहाँ से इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये चल रही है, मैंने बूट फाइल अपनी डाली थी और जो डन दिखा दिया था उसी इसी के बाद देखिए यहाँ पे ये भी देखिए डन हो चुका है। अब मैं बैक करता हूँ और हालांकि मेरा फ़ोन सुपर यूज़र हो चुका है, एक बार मैं यहाँ पर देखिए मेरा वाईफाई भी कनेक्टेड है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरा वाईफाई कनेक्टेड है। अब देखिए मैं सुपर यूज़र फिर से ऑन कर रहा हूँ और सुपर यूज़र ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ वेरीफाई करके कि मेरा फ़ोन रूट है कि नहीं है। और आप जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे मुझे सुपर यूज़र ग्रांट परमिशन मांग रहा है, जैसे मैंने ग्रांट किया अब यहाँ पे दिखा दिया कॉन्ग्रेचुलेसन योर रूट इज़ प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन दिस डिवाइस। तो देखा आपने कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर सैमसंग J8 को रूट किया है और जो मॉडल नंबर है वो है यहाँ पर 810G और एंड्रॉयड का वर्जन है 8.00। ना TWRP इसमें डलती है ना CF ऑटो रूट डलता है, ये एक अलग ही रूटिंग का एक डेफिनेशन आज मैंने क्लियर की है। ये किसी भी YouTube के चैनल पे आपको ये इस तरह का वीडियो जो जितना क्लियरिटी के साथ में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको सिर्फ मिलेगा इसे टेलीकॉम के वीडियो में। अगर आपको पसंद आया है, इसी तरीके से हम अपडेट करते हैं अपने हर स्टूडेंट को, हमारे आने वाले हर स्टूडेंट बहुत अच्छे काम करते हैं। और इसके साथ अगर आपको लगता है कि अगर आपको और सॉफ्टवेयर में नॉलेज लेना चाहिए तो आप मेरा सॉफ्टवेयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं 13 तारीख का, हर महीने का 13 तारीख का। 10 दिन आप मुझे दीजिए और उसके बाद में आप अपने आप में अपडेट फील कीजिए। आप देखिए कि इस फील्ड में आप पहले और अब के पहले और बाद में जब मैं आप यहाँ से पढ़ कर जाएंगे मेरे यहाँ से, सो क्या चेंजेस पाएंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये पसंद आया तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा, एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, कमेंट पे लिखिएगा कि आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो बिल्कुल नीचे लिखिएगा, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि हर जवाब, हर क्वेश्चन का नीचे आंसर देने के, हर कमेंट का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको अगर अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि इसमें नॉलेज बढ़ता है, आपके दोस्त का भी बढ़ सकता है, तो आप मुझे आप ये चीज़ आगे जाकर शेयर भी कर सकते हैं। मैं इस बार आपको बेसबैंड भी दिखा देता हूँ कि मेरा नेटवर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार लोग बोलते हैं ऐसे में बेसबैंड उड़ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। सो मैं यहाँ पे अबाउट में जाकर सॉफ्टवेयर वर्जन पे दिखा सकता हूँ। देखिए मेरा बेसबैंड भी शो रहा है और IMEI भी शो हो रहा है, क्योंकि अगर IMEI शो नहीं होता तो मेरे को ये नेटवर्क के डंडे कभी नहीं आते, यहाँ इमरजेंसी कॉल आ जाता। सो आई होप आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया हो यहाँ पर, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये देखिए। सो मेरा पहला यूट्यूब चैनल देवेंद्र अग्रवाल, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे आप गूगल में जाइए, आप यूट्यूब में जाइए, आप लिखिए वहाँ पे मेरा नाम, या फिर आप लिखिए वहाँ पे सिर्फ एशिया टेलीकॉम। अगर आपने नहीं लिखा है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लिखिए एशिया टेलीकॉम और एंटर कीजिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, आप जाइए यहाँ पर। और अगर आपने इसके बहुत सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाइए, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप इसके बहुत सारे वीडियो देखिए, वॉच कीजिए। और आपको लगता है देखिए मेरा सॉफ्टवेयर पर बहुत सारे अपने क्लास के साथ स्टूडेंट के साथ बहुत सारे वीडियो इसमें डाले हुए हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए और अच्छा लगे, और इसी तरह आपको नए नए अपडेट देता रहूँगा और आगे किस तरह के MDK को रूट करते हैं, SPD को रूट करते हैं TWRP से, ये आपको बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे चैनल से। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर, 10 साल हो गए मेरे को भी। अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन, मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के
आप यहाँ भी आके टाइम एक महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, 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 ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चे लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे ना कि फेक, वो एहसास हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से, तो वो सर टच हुआ सर। मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली इसको, अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। अब कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब कि सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ कहीं रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें, तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो ऐसा भी हो रहा था, फेसबुक भी आ रहा था जो तरकीब बना रहा था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो उनको अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए हुए जो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने। हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना लोगे, अच्छा देते थे तो लगता था एक हिसाब से, हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा था तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। सो इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगाया, दोबारा लगा और मुझे अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का। हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में देखता था, उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्टीट्यूट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सीखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में सीख लिया। सर ने हमें पैसे नहीं दिए बोले मेरा फिर उड़ रहा है, हाँ क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, सर ये भी बोलते हाँ हमें बोलना है कहीं के लिए बोलना, नहीं जो हम बोल रहे हम खुद का बोल रहे, हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं हमें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है चुना जाए, तो मैंने फिर वीडियो नेपाल यहाँ पे आया तो फिर जनता उनको चुना। तो आप सेटिस्फाई सर? 100% सेटिस्फाई है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद आ सकता हूँ, उसमें अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा कि उसकी उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अपने ऊपर काम की व्यवस्था दूँ तो मैं हर एक पार्ट को फॉलो कर सकता हूँ। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी कुछ नहीं समझ लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और भेजो मैंने, अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज हमने फिर सुनी कल, जो कल नए बच्चे जो आए थे। अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा
कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, मैकेनिक नहीं होता है। जिसका वो अंदर का उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसके कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 9001 and 2845 Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.